गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में हथियारबंद बदमाशों का खौफ इस कदर बढ़ा हुआ है कि आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से ये लोग घबराते नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम सेक्टर 5 में कृष्णा टाइल्स के ऑफिस में तोड़फोड़ करते लगभग एक दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और लाठी डंडों से तोड़फोड़ करते हैं। दीपक जी, क्या मामला और क्या हुआ था? भाई जी, कुछ नहीं हुआ। शाम के टाइम पे मैं अपने ऑफिस में बैठा था, उतर के मैं जैसे ही नीचे जाने लगा, अज्ञात आदमी आए, करीबन 20 से 25 आदमी थे, सभी के हाथों में लट्ठे डंडे और एक दो के हाथ में पहने हथियार भी थे, कोई तमंचा भी लेके था। मैं जैसे ही लिकड़ा पीछे से ऑफिस में घुसे, पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, टेबल के नीचे छुप गया था। मामला कुछ नहीं था जी, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करती थी, उसके चक्कर में कोई लड़का हमारे ऑफिस में 2-3 दिन पहले होली के दिन, जिस दिन होली का त्यौहार था, वो घुस गया था। हमने उसको हाथ जोड़ के बाहर निकाल दिया था कि भाई आप ऑफिस आवर्स के बाद आप अपने जो भी तुम्हारा रिलेशन है उसको कंटिन्यू करो, ऑफिस में कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी आप उसके बाद। वो माना नहीं, उसने बदतमीजी करी, हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा, हमने उसको 112 वाले आए और उसको लेके चले गए। उसके बाद पुलिस वालों ने वहाँ पर राजीनामा हो गया जी, लड़के ने माफ़ी मांग ली, राजीनामा हो गया। उसके बाद वो आज लड़की दोबारी आई है, और जब वो सभी बच्चों को जो भी इसके साथ आए थे वो सबको लेके आई है। उसके बाद क्यों आई थी बताएं सर? उसने मेरे को फ़ोन किया था कि सर मेरा फुल एंड फाइनल कर दो, रिजाइन तो वो लिख के दे के जा चुकी थी, उसके बाद उसका फुल एंड फाइनल था वो हमने कर दिया, उसके बाद वो चली गई है। अब वो चली गई है उसके बाद वो सारे लड़के आए हैं उसका फुल एंड फाइनल लेने के बाद। लड़कों का क्या कुछ मकसद रहा सर? लड़कों का मकसद ये था ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचाना, करीबन ये मान लो जी 4-5 लाख का तो ऑफिस में नुकसान है, 4-5 लैपटॉप तोड़ दिए हमारे, 2-3 मोहन तोड़ दिए हैं, बाकी सर मेरे पूरे स्टाफ में दहशत हो गई है कि भैया अगर ऐसे सराउंडिंग या ऐसे काम करेंगे तो वो फिर कैसे आगे बेचारे काम कर पाएंगे हमारे पास। वही सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं, और कृष्णा टाइल्स वालों ने बताया कि नकाबपोश एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने ऑफिस पर हमला कर दिया। ऑफिस में रखे लगभग 4 लाख रुपए भी वो लोग यहाँ से लूट कर ले गए। यहाँ पे मैं और भाई जो नीचे गए, जैसे कि नीचे ऑफिस में गए, 20 से 25 लड़के आए एक साथ अज्ञात, मुंह पे उनके कपड़े बंधे हुए थे और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। तो हम अंदर केबिन में, केबिन जो थी नीचे वो हमने लॉक कर लिया, तो बाहर से तमंचे लहराने लग गए और जान से मारने की धमकी देने लग गए। ये बोल रहे थे कि अभी तो कुछ नहीं आगे और भी कुछ करके दिखाएं। हुआ ये था कि मंगलवार के दिन ना, तो कोई लड़का आया था, तो वो लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहा था। यहाँ पर हमने बोला आपका कुछ भी मैटर है आप बाहर जाके सुलटना, 6 बजे के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, बाहर आप कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना। उसके बाद में क्या उससे थोड़ा झगड़ा सा हुआ यहाँ पे, हमने 100 नंबर पर कॉल भी कर दी, चौकी में जा करके उन्होंने राजीनामा भी लिख दिया कि हम कभी भी ऑफिस नहीं जाएंगे ना हानि पहुँचाएंगे। उसके बाद में इन्होंने अचानक आ करके, वो लड़की आई है ऑफिस, लड़की ऑफिस आने के बाद उसे लड़की ने मुखबरी मारी है कि कौन कौन लड़का क्या है, कहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है। जैसे हम नीचे उतरे हैं, नीचे उतरते ही एंट्री की हमने ऑफिस में, केबिन में जैसे अंदर घुसे हैं, पीछे से लाठी डंडे और तमंचे लेकर के वो भी हमारे पीछे पीछे। इस पूरी घटना की वजह से कृष्णा टावर के फर्स्ट फ्लोर पर बने LIC के कार्यालय में कथित लेडी काम करती, जो कि एक महीना पहले काम करने आई थी, लेकिन बीते मंगलवार को युवती की एक युवक से कहा सुनी हो गई। कथित लेडी प्रियंका का सैलरी का हिसाब था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। अब ये तो आने वाला वक्त और जांच में ही पता चलेगा कि पूरा माजरा असल में क्या था। बैकग्राउंड न्यूज के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।